तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बुढ़ाड़ा के शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें माहिती तंत्रज्ञान विषय स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे शिंदे गुट को राष्ट्रीय राजकारण में बड़ा तोहफा मिला है। इससे पहले इस अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के शशि थरूर थे, अब उनके बाद प्रताप राव जाधव को इस पद के लिए चुना गया। कुछ दिनों पहले ही बुढ़ाड़ा के सांसद प्रताप राव जाधव ने एक निजी कार्यक्रम में सचिन मांझी मातोश्री को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में काफी हड़कंप मच गया था। हालांकि इसके बाद वह अपने ही बातें से मुकरते हुए नजर आए। बीते कई सालों से अमरावती के हनुमान व्यायाम और क्रीड़ा प्रसारक मंडल ने अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षण का प्रदर्शन स्थानीय नागरिक और प्रमुख अतिथियों के सामने किया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं के खेलों का हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों ने कराटे, ड्रिल, मार्शल आर्ट, मालखंबा, जिमनास्टिक, रशियन ड्रिल, यूरोपियन ड्रिल, दानपट्टा, डम्बेल आदि खेल दिखाए जाते हैं। ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन के पीछे शाला का यह उद्देश्य होता है। इसमें महाविद्यालय, रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय, आश्रमशाला, योग विभाग, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, BCA, इन शाखाओं के छात्र छात्राएं शामिल हुए। नासिक शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित जेल रोड के शिवाजी नगर रास डांडिया का आयोजन हुआ। इसी दौरान कुछ युवकों के बीच झड़प हो गई। वहीं एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में बाबू लोट नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उपनगर पुलिस थाना अधिकारी नीलेश माइनकर ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। वही पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 3 संदिग्ध नाबालिग पाए गए हैं। अकोला जिला महिला अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने एम्बुलेंस के डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान देर होने से एम्बुलेंस में आली गांव से लाई गई गर्भवती महिला की अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी हो गई। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, साथ ही सभी डॉक्टरों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। डॉक्टरों ने इस पूरी घटना की शिकायत रामदास पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और महिला अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट आरती कुलवाल को भी लिखित में शिकायत दी गई है। आरती कुलवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले के लिए जांच समिति का गठन किया और जांच के आदेश दिए। वहीं लोगों ने महिला के अस्पताल के बाहर डिलीवरी होने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की मांग की है। तो थाने में मामले की शिकायत की गई। महाराष्ट्र के अकोला से एक खबर, जहां पर वार्ड बॉय ने एम्बुलेंस के डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर और वार्ड बॉय में जमकर विवाद देखने को मिला। महाराष्ट्र के जालना शहर में सदर बाजार पुलिस ने आज बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान किए। जालना महाराष्ट्र नियम तोड़ने वालों पर अब एक्शन नजर आ रहा है। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब चालान। महाराष्ट्र के जालना से एक खबर, जहां पर नियम तोड़ने वाले पर अब पुलिस एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब चालान काटे जा रहे हैं।